नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी बॉयज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे CUET एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। आपको बता दें कि CUET, UG और PG के बारे में काफ़ी डाउट्स बच्चों के माइंड में चल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होंगे, क्या सिस्टम है। पूरा डाटा इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि PG वाले बच्चे फिलहाल इंतजार करें, क्योंकि PG वालों का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 5 तारीख से शुरू होने वाला है। फिलहाल UG वाले बच्चों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 21 तारीख से शुरू होने वाला था, बट आपको बता दें कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर दूर होने की वजह से 21, 22, 23, 24 और 25 वाला एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है। अभी तक आपको बता दें कि 21, 22, 23 और 24, 25 के तारीख में जो एग्ज़ाम होने वाला था उसके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, ना ही उसकी एग्ज़ाम सिटी के बारे में अभी पता चल चुका है। क्योंकि आप लोगों को बता दें CUET UG एंट्रेंस टेस्ट जिनके एडमिट कार्ड पर 26, 27, 28 तारीख वाला एडमिट कार्ड निकल रहा है, उनके ऊपर अगर एग्ज़ाम सेंटर जम्मू है तो आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ये पहले बता रहा हूँ। और आपको बता दें कि जिनका एग्ज़ाम सेंटर बाहर आया था 26 तारीख को, एग्ज़ाम सेंटर जलंधर था, उसके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं ना, तो आप लोगों को बता दें जिनका एग्ज़ाम सेंटर जम्मू आ रहा है उन्हें अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से पेपर देने जाना है। कुछ स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम सेंटर 26, 27, 28 को, बट एडमिट कार्ड नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका एग्ज़ाम ही 26, 27, 28 को है बट उनका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, तो वो टेंशन मत लें। जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा उनका भी डाउनलोड हो जाएगा बाद में, उनका भी एग्ज़ाम सेंटर जो है वो जम्मू में ही लाया जाएगा, जे यहाँ पर सुनने में आ रहा है और NTA की तरफ से अपडेट भी है, बट एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। उनको मेल आ गई है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 26 to 27, 28 के बीच में वो यहाँ पर कैंसिल है ना, रीशेड्यूल है जी है, क्योंकि उनका सेंटर आउट ऑफ स्टेट था इसलिए उनका रीशेड्यूल आ रहा है। अब जिनका एग्ज़ाम 21 to 25 था और जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा 26, 27, 28 वाले, उनका एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट अलग से जारी किए जाएंगे। आप लोग बता दें कि जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 21 to 25 के बीच में और साथ में जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा, उन सभी के एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी अलग से नोटिफिकेशन आएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को बता देंगे। आप लोग डिमोटिवेट ना हो, परेशान मत हो कि हम दूर दराज से हैं तो हमारा एग्ज़ाम छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी PG वाले बच्चे वेट करें, PG वालों की एग्ज़ाम सिटी के बारे में भी बहुत जल्द पता लग जाएगा, तो जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम सिटी के बारे में पता चलता आप लोगों को सटीक जानकारी हम प्रोवाइड करवा देंगे।